जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सरकारी नौकरी मेकर में। आज हम लोग बिहार एसएससी टाइपिंग टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं, मेरिट लिस्ट का जो है क्या कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, आप सभी को पता है कि आपका 13 जुलाई से जो है एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो उसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो आपका होने वाला है। बीएससी अभ्यर्थी जरूर देखें, और जो देख रहे हैं वो देखने के बाद जरूर इस वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अपडेट आपको मिलता है। और एसएससी जीडी का क्लास जो बच्चे तैयारी कर रहे हो, आपका एसएससी जीडी का क्लास आपका चल रहा है सेकेंड वाले चैनल पर, उसको भी ज्वाइन कर ले। ठीक है, तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलेंगे अपना कट ऑफ वाले वीडियो पर। ठीक है, तो कट ऑफ वाले यहां पर जैसा कि आप सब यहां पर देख रहे होंगे, यहाँ इधर वाले में जो आपको सेक्शन में दिया हुआ, ये आपका टाइपिंग टेस्ट वाले के दिया हुआ। ठीक है, जिसका जिसका टाइपिंग यहाँ पर टेस्ट है, इधर वाले में नॉन टाइपिंग वाला का कट ऑफ जो है वो बनाया गया। ठीक है, जनरल के लिए जो कट ऑफ रहने वाला 95 से 100 के बीच में जिसका भी अगर आने वाला है, तो वो बिल्कुल मान के चले कि उनका इस बार सिलेक्शन जो है वो हो रहा है। ठीक है, 95 से 100 के बीच। बीसी का अगर हम लोग बात करें तो 90 से 95 उनका कट ऑफ जो है वो हो सकता है। ईबीसी का अगर हम लोग बात करें तो 88 से लेकर 93 तक, ठीक है, 88 से लेकर 93 तक आपका कट ऑफ जो है वो हो सकता है। एससी का अगर हम लोग बात करें तो 80 से लेकर 84 तक आपका कट ऑफ जो है वो जा सकता है। एसटी का अगर हम लोग बात करें तो 82 से लेकर 87 तक आपका कट ऑफ जो है वो बन सकता है। पीएच मतलब फिजिकली हैंडीकैप जो भी विद्यार्थी होंगे, उनका 65 लगभग आप मान के चलिए कि बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका जनरल नॉन टाइपिंग के लिए 103 प्लस आपको स्कोर करना होगा, ये आपका कट ऑफ है। ठीक है, इस कट ऑफ से आप बिल्कुल भी हल्का सा एक दो नंबर ऊपर नीचे जा सकते हैं, उसके अधिक ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि पिछले साल का कट ऑफ दिखने के बाद सारा चीज बताने के बाद यहाँ पर जो है आपको कट ऑफ हम बता रहे हैं। ठीक है, बीसी का अगर हम लोग बात करें तो 98 अगर प्लस आपका जा रहा है तो बिल्कुल आप बीसी में नॉन टाइपिंग से सिलेक्शन है। 96 आपका ईबीसी के लिए, 90 आपका एससी के लिए, एसटी के लिए 91 और 75 आपका पीएच के लिए। ठीक है, तो ये आपका कट ऑफ था। बाकी अगर बिहार जो टाइपिंग टेस्ट से अगर आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर बता दीजिए, हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि आपका सारा कमेंट का वहां पर जवाब दे पाए। ठीक है, अगर चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद जय भारत। और टेलीग्राम पर ये हम पोस्ट डाल दे रहे हैं, तो जिसको भी ये कट ऑफ वाला पेज चाहिए आपको तो टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां पर हम डाल दे रहे हैं, वहां से आप इसको सीधा सीधा पूरा यहां पर जो आपको यहां पर मार्क दिख रहा है वो मार्क करके ये आपको पूरा प्लेन दिखेगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।